नमस्कार दोस्तों, आरबी लाइव मीडिया में आपका स्वागत है। अपडेट फाजिल्का से आ रही है। फाजिल्का पेट्रोल पंप एसोसिएशन द्वारा एक फैसला लिया गया है। अब जो लोग मास्क नहीं पहनेंगे, मास्क पहनकर पेट्रोल पंप पर नहीं जाएंगे, उनको पेट्रोल व डीजल नहीं मिलेगा। यह फैसला पेट्रोल पंप एसोसिएशन पंजाब द्वारा लिया गया है। पेट्रोल पंप एसोसिएशन पंजाब के सभी पंपों पर मास्क पहनकर नहीं जाने वाले लोगों को पेट्रोल व डीजल नहीं दिया जाएगा, ऐसा फैसला लिया गया है। आपसे अनुरोध है कि अब पेट्रोल पंप पर जाते समय, पेट्रोल व डीजल लेते समय मास्क अवश्य पहनकर जाएं, अन्यथा आपको वापस लौटा दिया जाएगा। इसके साथ ही पास धारक को ही पेट्रोल दिया जाएगा। आपको लाइव कवरेज दिखा रहा हूं, बने रहे मेरे साथ, देखते रहे मेरा चैनल। कोविड 19 के खिलाफ छेड़ी गई जंग में पेट्रोल पंप एसोसिएशन पंजाब द्वारा अपना पूर्ण रूप से सहयोग दिया जा रहा है। पेट्रोल पंप पर अब उन लोगों को ही पेट्रोल व डीजल मिलेगा जिनके पास पास होगा, और साथ ही जिन लोगों ने मास्क पहना होगा, बिना मास्क तथा बिना पास धारक लोगों को पेट्रोल पंप पर न तो पेट्रोल मिलेगा और न ही डीजल, ऐसा फैसला पेट्रोल पंप एसोसिएशन पंजाब द्वारा लिया गया है। आपको लाइव कवरेज दिखा रहा हूं, बने रहे मेरे साथ, देखते रहे हमारा चैनल। जिस तरह तुम सब को पता है कि साढ़े पंजाब 3250 पंप ने टुटे, और इतने किधरे किधरे चल रहा है कि विदाउट मास्क लोग आज तेल लैके चल रहे हैं। ये 3250 के 50 पंप ही खुले ने इस पर गवर्नमेंट के निर्देशों के मुताबिक। असी असैशल सर्विस वास्ते या कठपू पास वाले तेल असी पा रहे हैं, लेकिन जिस तरह अज की डेट डॉक्टर ने, नर्सा ने, मेडिकल स्टाफ ने, पुलिस वाले ने, सफाई कर्मचारी ने, ये साढ़े जोड़े सेल मैन है भारतीय पाने, ये भी हमेशा फ्रंट दे रहे, क्योंकि सारा दिन पता नहीं 100 गाहक आ गया कि 200 गाहक आ गया, उन्हें कोई भी संक्रमित हो सकता है। वो गाहक इन्होंने को हो सकता है, एक गाहक और हो सकता है। उस करके साड़ी PPDA पंजाब पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन ने साड़ी कल VC की जी एग्जैक्टिव मीटिंग हुई थी, उत्थे फैसला लिया गया। अज तो भी तो अभी कंप्लेन शुरू कर रहे हैं कि कोई भी बंदा किसी भी बिना मास्क पदरों तेल लैन आएगा, चाहे कर्फ्यू पास है या नहीं है या सैशन सर्विस है, असं उन्हें तेल जी मान लीए जे कोई बंदा कर्फ्यू की उलंघना करता आता है तो वो पास नहीं है कि वो तेल पाएगा? असं तेल नहीं, क्योंकि सानू जो सरकार के निर्देश ने ना वो ये ने कि सरकार ने शहरों के अलग टाइम फिक्स किए ने, नैशनल हाईवे अलग टाइम ने, पिंडा के अलग टाइम ने। उनका पर्पज सिर्फ यही है कि हर क्योंकि अच्कल खेतीबाड़ी चल रही है, कटाई शुरू हो गई किसानों वास्ते अलग है, हम किसानों की कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं, कोई कर्फ्यू पास नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट वाले उन्होंने पास नहीं मिले। अगर वो आता है ट्रैक्टर ले गए तो अंडरस्टूड है कि वो एग्रीकल्चर वाल है, लेकिन विद टाइम जिहड़ा सानू गवर्नमेंट ने टाइम दिता उन्होंने असं दें मास्क बन गए। अगर उन मास्क अवेलेबल नहीं है ना, तो रुमाल सब को होता है या गमछा होता है या लेडीज को चुन्नी होती है, मतलब आदा मूँह ढक के आन ताकि उन्होंने कीटाणु सेल्समैन में जान, सेलमैन के कीटाणु हो। कह सकते हैं कि कर्फ्यू की उलंघना करने के जिते पंजाब पुलिस सख्ती नाल पालन करा रही है कर्फ्यू का, उतें ही हम पंप एसोसिएशन वालों ही जोड़ा है पेट्रोल कदम चुकया गया। बिल्कुल तुम सही है, मैं तो आप परसनली मैं समझ नहीं आ रही कि अपन बुखार चढ़ता तो आप RMP डॉक्टर को जाने कहते जी तलिया चीज़ा बंद कर दो, कद्दू शुरू कर दो। अज की डेट के वे वे साइंटिस्ट डॉक्टर देश का प्रधानमंत्री पंजाब का CM मिन्नता कर रहे कि घरे रहो, डॉक्टर के कहते तो आप कद्दू शुरू कर दे तो आप 4 दिन घर नहीं रह सकते कि लोग पता नहीं क्यों तुरे फिर रहे, क्यों देश का पट्ठा बांधते। मैं तो आपके वालों यही रिक्वेस्ट करा कि अपने अपने घर रहो और इस बीमारी तो अपनी जान छुटे और दुनिया सुख। की नाम है जी अपना? मेरा नाम गुरमीत सिंह राणू जी। हाँ जी, की उपराला तुसी वेखे कि किस संबंध विच तुसी बाहर आए जी? कर्फ्यू लगा असीं जी, साडी कंबाइन लगी सी, असीं आए सी मंडी, मंडी आए दे विच ट्रैक्टर विच पेट्रोल घट सी, मैं तेल पाउण आया सी, ओह सानूं एवें तेल नहीं पाउंदे सी, पहले कहिंदे सी पास विखाओ, फिर असीं उहनूं पास विखाया, फिर उहनां ने तेल पाया, उस तों बाद तेल पा के ते उत्तों फिर अपने
ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਬਾਬੇ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕਦਮ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਦਾ ਐਵੇਂ ਉਹ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਜੀ, ਉਹ ਮਾਸਕ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਜੀ ਪਾਸ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਜੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਕਿਵੇਂ ਆਏ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੇਲ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਪੰਪਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਆਦਿ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਕਿਆ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਹੈ ਆਪਕੇ ਯਹਾਂ ਪੇ? ਅਸੀਂ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਹੈ ਮੁਹਿੰਮ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮਾਸਕ ਤੋਂ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਪਾਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਉਸਦਾ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕਦਮ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਦਿਨ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਦੇ ਜੀ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ, ਤਕਰੀਬਨ ਤਾਂ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨ ਕੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਤਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਮਾਸਕ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕੇ ਖੜ੍ਹ ਜਾਓ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਾਉਣਾ। ਕੋਈ ਪਾਸ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਰਫਿਊ ਪਾਸ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਪਾਸ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤੋਂ? ਪਾਸ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜੀ, ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪਾਇਆ ਜੀ, ਪਾਸ ਵੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਪਾਉਂਦੇ।